तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं कल लाइव क्लास नहीं थी क्योंकि कल संडे था और आप सभी के पास काफ़ी मौका था रिवीजन करने का पिछले हफ्ते हमने जो कुछ भी डिस्कस किया हुआ है तो आज हम सरप्राइज टेस्ट आप सभी का लेंगे बेसिकली फोर्टी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो भी इस टेस्ट का टॉपर रहेगा उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी टीम प्रोवाइड करेगी ठीक है तो ये हर मंडे को टेस्ट हुआ करेगा रिवीजन के तौर पे अगर आपका चेक करना हो हिसाब किताब कि जो आपने स्टडी की है उसमें से आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं कोई भी डाउट्स क्वेरीज क्वेश्चन हों तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आपको आंसर करना है फटाफट इसका प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड अगर आप मापना चाहें तो किस में मापोगे तो यहां पे क्वेश्चन नंबर भी दिया रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो नैन्सी जी ने इसका सही आंसर कर दिया है हार्ट्स बिल्कुल सही है बाकी जो भी चीजें बता रहा हूं उनको भी बड़े ध्यान से देखना बिट्स पर मिनट या फिर ऐसे दिया हो तो ये आएगा बिट्स पर मिनट लेकिन यहां पे बड़ा बी है कैपिटल तो ये बाइट्स पर मिनट है ठीक है अगर स्मॉल हो तो बिट्स आएगा अगर कैपिटल हो तो वाइट्स याद रखो एम आई पी एस मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये जितने भी फुल फॉर्म्स आपको बता रहा हूं अच्छे से देख लेना क्योंकि questions यहां से बनते हैं बाकी ये जो वर्ड यहां पे एक टर्म है ये भी एक मेजरमेंट होती है लेकिन किस चीज की मेजरमेंट होती है आपको पता होना चाहिए तो जो भी कम्युनिकेशन होता है मोर देन टू कंप्यूटर्स इसको दोस्तों क्या बोला जाता है बोर्ड यानी कि बोर्ड में इसकी मेजरमेंट की जाती है अब यहां पे हर्ट्स जो है ये सही आंसर हम बता चुके हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हर्ट्स ही आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा मेगा हर्ट्स भी हो सकता है और गीगा हर्ट्स भी हो सकता है तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर करना दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर फटाफट इसका आंसर कीजिए दर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज बाज यहां पे मैंने ऑप्शन अभी दूसरा नहीं दिया है इसका इसलिए आप गलत कर रहे हो ठीक है जी हाँ सही पकड़ लिया है आनंद शर्मा ने दोस्तों पूरे ऑप्शंस देख लिया करो सबसे पहले तो मैनिक की फुल फॉर्म बताओ मैनी की फुल फॉर्म फुल फॉर्म्स जरूर पूछी जाती हैं पिछले कल क्लास नहीं थी संडे था आप सभी के लिए टाइम दिया गया था रिवीजन का तो मैनीक की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों मैथमेटिकल एनालाइजर न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर यह याद रखना क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कई बार और की तो इजी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर जो ऑप्शन में मिल जाए अब इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करूंगा मैं तो ध्यान से देखो यूनिबैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये इसका सही आंसर था ये दोस्तों पहला कंप्यूटर आप बोल सकते हो जो कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था ठीक है और बाकी एडसेक की फुल फॉर्म बताओ फटाफट ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में एडसेक ये सेशन लंबा होने वाला है रेणु ठाकुर जी ने पे बताया भी है कि 1951 में यह आया था यूनिवेक जो है फॉर कमर्शियल यूज एडसेक की फुल फॉर्म अभी तक नहीं आई किसी स्टूडेंट की और याद रखना जो भी टॉपर्स रहेंगे उनको हमारी टीम की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जी हाँ आनंद शर्मा ने कमेंट कर दी है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर वेरी गुड आनंद शर्मा तो आई थिंक आपको आंसर पता चल गया होगा कि यूनिवेक जो है यही फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था 1951 नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन नंबर जरूर डालना आंसर के साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल नेशनल ग्लोबल एरिया इज कोल्ड तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ तो ऋषभ रतवन जे इन्होंने सबसे पहले आंसर कर दिया है वेरी गुड आनंद शर्मा से भी पहले तो यह है वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है यहाँ पे बात किसकी किसकी हो रही है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो रीजनल नेशनल की बात कर रहे हैं कोई एक देश ठीक है और ग्लोबल यानी कि जो भी पूरा एरिया है पृथ्वी का तो ओब्वियसली यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क ही आएगा अगर एक बिल्डिंग पूछी जाती या फिर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता छोटा सा तो लैंड यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क आंसर होना था और एक सिटी पूछी जाती तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो आपको इस तरीके से याद रखना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फॉलोइंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज मोर यूजफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है एक्सेल वगैरह। तो किस एरिया में इसका यूज होता है तो ये फोर्थ क्वेश्चन है आंसर करो फटाफट तो अमित ठाकुर ने इसका सही आंसर कर भी दिया है सबसे पहले तो आपको याद रखना है दोस्तों ये जहां पे भी आंकड़े वगैरह आपको देखने को मिलते हैं बड़े बड़े यानी कि स्टैटिस्टिक्स यहीं पे इसका इस्तेमाल होता है ये जो स्प्रेडशीट वगैरह होती है और बर्क बुक एक इसका नाम होता है अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें एम एस एक्सेल में और इसमें तीन शीट्स होती हैं शीट एक शीट दो और शीट तीन तो तीन शीट्स होती हैं अच्छा कमेंट करके ये बताओ कि एमएस एक्सेल में इसकी जो एक्सटेंशन होती है 2007 के बाद वो क्या होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार तो आप सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए 2007 के बाद इसकी एक्सटेंशन क्या है जी हाँ पूजा शर्मा डोट एक्स एल एस और साथ में एक्स भी आपको जोड़ना पड़ेगा और यह सबसे पहले रोहित ठाकुर ने बताया है ठीक है एक्स एल एस पहले होता था लेकिन 2007 के बाद यह साथ में एक्स भी जुड़ गया ठीक है जैसे हम अगर एम एस वर्ड की बात करें तो पहले डोट डोक आता था लेकिन 2007 और उसके बाद एक्स जुड़ गया पीपीटी दो था 2003 या फिर इससे पहले और 2007 या इसके बाद एक्स भी जुड़ गया तो ये सारी इंपॉर्टेंट है ये पावर पॉइंट के लिए है ये वर्ड के लिए है और ये एक्सेल के लिए है प्रियंका ठाकुर आपका कमेंट भी शो हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बोला गया है ग्रुपवेयर यह क्या होता है क्या ये हार्डवेयर है क्या ये नेटवर्क है क्या ये सॉफ्टवेयर है क्या ये फर्मवेयर है ये बाकी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए अगर एक ऑप्शन में ये चीजें मिल रही है पांचवा क्वेश्चन है और पांचवे क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर किसने किया है तो नितिन कलेर वेरी गुड दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर होता है और ग्रुपवेयर होता क्या है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दो या फिर दो से ज्यादा यूजर्स जो हैं अगर साथ में बैठ के काम करना चाहते हैं तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको ग्रुप वेयर बोला जाता है यह या याद रखना ठीक है कोई भी कंपनी हो या फिर जो भी है और हार्डवेयर वो है जिसको हम बेसिकली टच कर सकते हैं चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो सारे के सारे हार्डवेयर में ही आएंगे और नेटवर्क क्या है कंप्यूटर्स वगैरह को जोड़ने का काम नेटवर्क का ही होता है और फर्मवेयर क्या है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर कोई भी कंपनी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंप्यूटर्स की मोबाइल्स की तो ऑटोमेटिकली पीछे से ही जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल्ड होते हैं उस सिस्टम में उनको फर्म बोला जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पांचवा क्वेश्चन है द ट्रांसफर ओड डाटा फ्रॉम a cpu टू peripheral डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर is achieved थ्रू हम क्या कर रहे हैं डाटा जो है इसको ट्रांसफर करना है सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसेस तक तो इसको हम किसके थ्रू कर सकते हैं तो यहां पे सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर सबसे पहले दिया है ऋषभ रतवन तो यहां पे दोस्तों इंटरफेसेस होगा ये ठीक है तो इसका ए ऑप्शन सही है अगर इंटरफेस होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क्स लैन में कौन सी चीज इनमें से इस्तेमाल नहीं होती है तो ध्यान से देखना यहां पे ऑप्शन शो हो चुका है तो जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन नंबर डी चूज किया है गुड सेवेंथ का डी अब दोस्तों इसमें होता क्या है मॉडम जो है इसका काम होता है मोडुलेशन डी मोडुलेशन का तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वहां पे मॉड्यूलेशन डी की कोई जरूरत नहीं है और इंटरफेस कार्ड जो है ये तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है अगर इंटरनेट के साथ जुड़ना है लैन वगैरह या फिर वाईफाई या फिर जो भी है और केबल केबल का तो इस्तेमाल होगा ही होगा और साथ में कंप्यूटर जो है ये तो बेसिक नीड है अगर कोई भी नेटवर्क है तो मोडम का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता ठीक है आनंद शर्मा जी ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है इंटरफेस जो है इसको एन भी बोला जाता है दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो फुल फॉर्म की पूछी जाती है कई बार वेरी गुड आनंद शर्मा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंटरेस्टिंग होने वाला है मोडम जो है यानी कि मॉडुलेटर डी मोडोलेटर इसको इन्वेंट किसने किया था अब याद रखना अगर तीन या फिर तीन से ज्यादा लोग जो हैं किसी इन्वेंशन में जुड़े हों बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम आता है अगर एक या दो व्यक्ति हैं जिन्होंने किस चीज को इन्वेंट किया हुआ है तो ये एट्थ क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट तो यहाँ पे संख्यान ने बिल्कुल सही आंसर कर दिया है सबसे पहले तो यहां पे दोस्तों देखो ए टी एंड टी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है इसने मोडम को इन्वेंट किया हुआ है तो इसका डी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द नेम गिवन टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्पेस अवेलेबल इन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन काफी इजी क्वेश्चन है और मुझे पता है सभी इसका आंसर कर लेंगे नाइन्थ क्वेश्चन का ताशी अंगूरल ने इसका सही आंसर कर दिया सबसे पहले तो दोस्तों बेसिकली ये सेल होता है और ये वही एरिया होता है जहां पे हम कुछ भी एंटर करते हैं इनपुट वगैरह ठीक है ये होता है सेल और रो जो है ये दोस्तों रिकॉर्ड होता है इस तरफ हॉरिजॉन्टली और पिक्सल जो है ये इमेज का सबसे छोटी यूनिट है और अगर इस चीज को हमने मेजर करना हो क्वालिटी किसी भी इमेज की तो पिक्सल पर इंचेस पीपीआई में हम मेजर करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पे टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है एन अल्टरनेट नेम फॉर दी कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजीज ऐसी टोपोलॉजी जो बिल्कुल जुड़ी होती है आपस में तो क्वेश्चन का आंसर करो तो आनंद शर्मा ने सबसे फास्ट इसका आंसर दिया है वेरी गुड तो दोस्तों देखो ध्यान से देखो मैथ टोपोलॉजी इसका सही आंसर होगा तो इसमें बेसिकली जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं ये कंप्यूटर है 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 कंप्यूटर है ये कंप्यूटर है तो ये सारे आपस में जुड़े होते हैं ठीक है इनका ऐसे कनेक्शन होता है ऐसे कनेक्शन होगा ऐसे कनेक्शन होगा इसका इसके साथ इसका इसके साथ सारे के सारे आपस में जुड़े ही होते हैं ठीक है चाहे इसकी बात करूं या फिर इसकी बात करूं तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी जो है दोस्तों ये आप इसको बोल सकते हैं कि एक हब रहता है सेंटर में और इसके साथ इस तरीके से कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं ये वाला और ये जो ट्री टोपोलॉजी है इसमें क्या होता है कोई बड़ा कंप्यूटर होगा उसकी आगे रूट्स होंगी उसके साथ कंप्यूटर्स जुड़े होंगे बिल्कुल ट्री की तरह जैसे टहनियां वगैरह होती हैं ट्री की और रिंग बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं यहां पे ऐसा होता है अगर एक भी कंप्यूटर फेल हो गया तो सारे का सारा ये सिस्टम फेल हो जाता है रिंग में और टोकन पास किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को आगे करने के लिए तो टोकन वाला सिस्टम जो है ये रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है तो इसको भी याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सेटेलाइट जिन सेटेलाइट का काम होता है कम्युनिकेशन का तो ये किस चीज को इस्तेमाल करती हैं तो ये ग्यारहवा क्वेश्चन है दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर देखते चलिए इलेवंथ का सी ऑप्शन ताशी अंगूरल ने सबसे पहले किया है वेरी गुड तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स जो होती हैं दोस्तों ये इस्तेमाल करती हैं रिसीव और रिट्राइव कम्युनिकेशन सिग्नल के लिए ठीक है अगर रिसीव करना हो कुछ तो भी और रिडायरेक्ट करना हो यानी कि किसी तरफ सिग्नल वगैरह भेजना हो तो यहाँ पे दोस्तों हमें कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स का यूज देखने को मिलता है यही यूज होता है इसका कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स का आनंद शर्मा जी वेरी गुड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर तो यहां पे पहला ऑप्शन जो है डेजी बिल प्रिंटर है और बाकी दूसरा इंक जेट प्रिंटर तीसरा बबल जेट प्रिंटर और चौथा जो है लेजर प्रिंटर तो ट्वेल्फ क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर देखते हैं सबसे पहले किसने किया है ट्वेल्फ का अंकिता शर्मा दोस्तों ये डेजी व्हील प्रिंटर होता है ठीक है इसमें होता क्या है एक डिस्क की तरह ऐसे व्हील होता है और इसके ऊपर प्रिंटेड होते हैं जो भी कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं और एक हेड होता है ऐसे पिन भी बोल सकते हैं आप तो यही प्रिंट करवाता है ये जो पिन टाइप होती है अब यहां पे इम्पैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स का क्या मीनिंग है इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो पेज वगैरह जिसके ऊपर प्रिंटिंग तो है। ठीक है व्हील प्रिंटर हो गया मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया और दूसरे होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ये स्प्रे करते हैं या तो इंक की या तो लाइट की ये फिजिकली टच नहीं करते हैं किसी पेज को जैसे कि लेजर प्रिंटर है ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया गया है ए टेलीविजन चैनल इज करेक्टराइज बाय तो किस रूप में देखते हैं हम किसी टेलीविजन चैनल को तो थर्टींथ क्वेश्चन है ये तो थर्टींथ क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कर दिया है यहां पे हिमानी ठाकुर ने तो आपको याद रखना है दोस्तों यहां पे फ्रिक्वेंसी जो है किसी सिग्नल की जो ट्रांसमिटेड होती है तो इसको करेक्टराइज किया जाता है टेलीविजन चैनल के द्वारा तो इसका ए ऑप्शन ही सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको कम से कम मैं ही दस पंद्रह बार एग्जाम्स में देख चुका हूं विच कंप्यूटर वाज द फर्स्ट टू यूज द मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी आप सभी को पता है मैग्नेटिक ड्रम्स जो हैं आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में देखते थे फोर्टीन क्वेश्चन है ये और मुझे लगता है कि आप सभी का आंसर काफी डिफरेंट आने वाला है इसमें जी हां मुस्कान शर्मा सुनील कुमार सबसे पहले आंसर आया है तो यहां पे दोस्तों आई बी जो है आपको याद रखना है अगर यहां पे आई ना हो ठीक है जैसे हम आई के ही ऑप्शंस देख रहे हैं अगर आई ना हो तो एटलेस याद रखना एटलस ने सबसे पहले यूज किया था मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी के लिए लेकिन यहां पे सारे ऑप्शंस आईबीएम के ही थे तो 650 आपको याद रखना है और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग। एफ आई एफ ओ की पूछी जाती है बार बार तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये आपको याद रखना है फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है तो ये चीज हमें कहां पे देखने को मिलती है फिफ्टीन क्वेश्चन है ये जी हां नैंसी संख्यान ने सही आंसर कर दिया है इसका तो दोस्तों ये हमें सब कुछ स्टैक में देखने को मिलता है जी हाँ आप सभी के काफी डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं ये जो स्टैक है इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है जैसे ये स्टैक है तो इस तरीके से कोई चीज अगर इसमें डल रही है तो जब सबसे लास्ट में होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा और क्वे के हिसाब से हम देखें बी ऑप्शन इसका सही होगा ठीक है इसमें एरर है क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा गया है ये तो क्वे में जो पहले आएगा वही पहले जाएगा ठीक है तो इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन होगा ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि स्टैक का कुछ अलग हिसाब होता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों फाइनली हम उस क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं जो काफी बार पूछा जाता है विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट दी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तो सिक्सटींथ क्वेश्चन है ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये हिंट है यहां पे तो अंकुश कुमार ने इसका सबसे पहले सही आंसर किया है तो एनएक होगा और एनिया की फॉर्म भी हम काफी बार देख चुके हैं तो इसका सी ऑप्शन ही सही होगा एनएक जो है यही फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ठीक है मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बीच व फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इज द मोस्ट वाइडली यूज बाय द इंटरनेट इंटरनेट पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है वो कौन सी है तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और सेवेंटींथ क्वेश्चन है ये विकास मल्होत्रा सही आंसर है आनंद शर्मा ने इसका सबसे पहले आंसर किया है तो दोस्तों ये टीसीपीआईपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के तौर पे यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर हम कुछ भी यहां से वहां सेंड कर रहे हैं तो एच का यूज काफी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है एक। यह भी पूछी जाती है फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस ये ईमेल्स में काफी यूज होती है और इंपॉर्टेंट है एस नहीं होती कुछ भी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड इन चार ऑप्शंस में से किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप दुनिया का पहला लैपटॉप तो अठारवा क्वेश्चन है ये तो इसका जो सही आंसर है अठारवें क्वेश्चन का साहिल तलोरिया वेरी गुड तो यहां पे दोस्तों एप्सन आपको याद रखना है एच एक्स ट्वेंटी का नाम था ठीक है जो वोटिंग मशीन होती है आज के टाइम में ईबीएम वगैरह उसी की तरह ये लैपटॉप था तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर आर डाटा वर्ड हैज एन ओड और इवन नंबर ऑफ वंस ओड है या फिर इवन है जो जीरो और वंस की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं तो उनमें हम ये चीजें चेक करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं नाइनटीथ क्वेश्चन है ये तो अक्षित ठाकुर ने इसका सबसे पहले आंसर कर दिया है तो बिट आपको याद रखना है इसको चेक बिट भी बोला जाता है तो यह चीज काफी बार पूछी जाती है तो इसी में बेसिकली देखा जाता है कि एरर कहां पे है एरर चेक करने के लिए बिट का यूज होता है, ठीक है और ओड और इवन नंबर जो होते हैं जीरो पॉइंट वगैरह ये भी बिट के थ्रू ही हमें देखने को मिलते हैं वेरी गुड आनंद शर्मा अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रीअरेंजिंग द एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कोल्ड रीअरेंज करना है एलोकेट करना है स्पेस मेमरी में ताकि मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क जो है ये हो सके तो इसको हम क्या बोलते हैं तो ट्वेंटी एथ क्वेश्चन है अनिल वर्मा ने इसका सबसे पहले आंसर किया है वेरी गुड तो इसको दोस्तों बेसिकली हम मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो एक प्रोसेसर होता है इसमें और मल्टीपल प्रोग्राम्स हम एट ए टाइम रन करते हैं मल्टी क्या होती है कोई भी एक टाइम है उस टाइम में हम वेरियस काम कर रहे हैं इकट्ठे कुछ भी काम हो सकता है कंप्यूटर के थ्रू तो इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं और नेटवर्किंग का मतलब होता है कंप्यूटर्स वगैरह को जोड़ना आपस में उसके बाद ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन द सीक्वेंस ऑफ कोई भी कंप्यूटर क्या करता है ये ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को किस सीक्वेंस में तो इक्कीसवें क्वेश्चन का सही आंसर करो जी हाँ यहां प्रो बॉयज ने सही आंसर कर दिया है तो दोस्तों बेसिकली फैच किया जाता है डाटा को फैच का मतलब होता है किसी भी डाटा तक पहुंचना ठीक है फिर उसको डिकोड किया जाता है यानी कि इस डाटा का करना क्या है अगर उसमें कुछ इनक्रिप्शन वगैरह हैं तो फिर उसको सही लैंग्वेज में लाया जाता है कंप्यूटर की डिकोड किया जाता है फिर फाइनली उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो इसका सही आंसर है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगेन इसमें भी आपको यही देखना है सीक्वेंस जो है ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हेरकी डाटा में सबसे छोटा क्या होता है फिर उससे बड़ा क्या होता है तो ये क्वेश्चन ट्वेंटी तो आनंद शर्मा ने इसका सही आंसर कर दिया है वेरी गुड दोस्तों बिट होता है बिट का मतलब होता है एक कैरेक्टर वगैरह फिर बाइट होता है आठ बिट्स का बनेगा फिर होती है फील्ड ये डाटाबेज की बात हो रही है फील्ड जो होगी वो इस तरफ को होगी वर्टिकली और फिर रिकॉर्ड आएगा फिर फाइल आएगी जो फील्ड और रिकॉर्ड की कलेक्शन होगी वो फाइल में होगी और डाटाबेज सबसे बड़ा तो ओब्वियसली सी इज राइट आंसर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर डाटा इन डाटाबेज एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कोल्ड एज डाटा जो डाटाबेज में होता है किसी एक बिंदु पर किसी भी टाइम के तो उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में अनुवाद कर दिया है तो तेईसवा क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर किसने दिया है तो अमित ठाकुर वेरी गुड नेंसी राणा जी आप भी कंटिन्यूस आंसर करते रहो तो दोस्तों ये एक्सटेंशन होती है जो डाटा होता है डाटा बेस में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के तो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं ये भी क्वेश्चन काफी रिपीट होता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज तो सीपीयू शेड्यूलर जो होता है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो चौबीसवा क्वेश्चन है ये तो प्रशांत शर्मा ने इसका सबसे पहले सही आंसर कर दिया है तो इसका सही आंसर आप सभी कह रहा है जॉब शेड्यूलर इसको बोला जाता है तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है जॉब शेड्यूलर मतलब सीपीयू शेड्यूलर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पच्चीसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल आप सभी के सामने 25वां क्वेश्चन आ चुका है इज नोट एन ऑपरेटिंग सिस्टम नितिका राणा जी कंटिन्यूसली आप भी आंसर करते रहो काफी अच्छा पढ़ रहे हैं आप सभी तो 25वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो प्रशांत शर्मा जी ने इसका सही आंसर किया है ओपेरा दोस्तों ओपेरा जो है एक वेब ब्राउजर है ठीक है काफी फेमस है ये भी बाकी एंड्रॉयड जो है अच्छा कमेंट करके फटाफट फड़ बताओ एंड्रॉयड को किसने एस्टाब्लिश किया था किसने फाउंड किया था किसने इन्वेंट किया था एंड्रॉयड एंड्रॉयड ओएस नाम आपको बताना चाहिए इसके फादर का फादर ऑफ एंड्रॉयड प्रियंका ठाकुर फटाफट बताइए एंड्रॉइड जो है किसने फाउंड किया है गूगल यहां पे नहीं पूछ रहा हूं मैं उस व्यक्ति का नाम जी हाँ आनंद शर्मा वेरी गुड तो दोस्तों एंडी रूबिन आपको पता होना चाहिए ठीक है एंड्रॉयड जो है इसको फाउंड किया था इन्वेंट किया था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टेक्निक ऑफ़ डिलेइंग आउट गोइंग एक्नोलेजमेंट्स जो भी आउट गोइंग एक्नोलेजमेंट्स हैं उनको डिले करने के लिए कुछ समय के लिए इस टर्म को क्या बोला जाता है तो ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन है ये तो काफी सारे क्वेश्चन के आंसर आपके अलग अलग आ रहे हैं तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है पिगी बैकिंग पिगी बैकिंग का मतलब क्या होता है ये एक टेक्निक होती है जो आउटगोइंग गोइंग होती है ठीक है उसको टेमपरेली रोकना डिले करना पिगी बैकिंग क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आंसर करिए जरा यहां पे दोस्तों एक स्टेटमेंट statement है स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी होंगी इंपॉर्टेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट है ये तो इनमें से तीन जो हैं ये तो टाइप्स लेकिन एक जो है नहीं है तो अट्ठाइसवें क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर किसका है देखने को यहां पे मिल रहा है अमित ठाकुर गुड इफ और एंड जो है ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होती एक तो इफ होता है टाइप एक इफ एल्स होता है और एक इफ होता है फिर एल्स होता है फिर इफ होता है फिर एल्स होता है ठीक है तो यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीसरा जो है यही सही होना था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोस एंड स्कैंड इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड विद एक्सटेंशन सच एज डॉट बी एम पी डॉट पीएनजी डॉट जेपीजी डॉट टीआईएफ डॉट जी आई एफ तो दोस्तों सबसे पहले तो फुलफॉर्म्स भी देख लेना ये सारी इंपॉर्टेंट हैं किसी दिन हम फुल फॉर्म्स के ऊपर आएंगे स्पेशली कंप्यूटर की आज हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो समय थोड़ा सा कम है हमारे पास तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं अब ऑप्शन के बिना आंसर कभी भी नहीं करना चाहिए काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे ही आंसर कर दिए हैं आशीष कपूर जी हम कोशिश करेंगे कि लो लेवल से हाई लेवल तक का डिस्कस कर लें ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिटमैप ठीक है उसके बाद बाकी आप इस पी डी फाइल को प्राप्त भी कर सकते हैं व्हाट्सएप करके तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना ताकि ये जो डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में इनको आप पढ़ सकें बाद में विच अमंग इज अ मोडिफायर की मोडिफायर कीज क्या होती हैं? फंक्शन कीज क्या होती हैं न्यूमेरिकल कीज क्या होती हैं अल्फाबेटिकल कीज क्या होती हैं टोगल कीज क्या होती हैं यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए थर्टीएथ क्वेश्चन है दोस्तों तो इसका सबसे पहले सही आंसर आनंद शर्मा जी ने ही किया है तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ये सारी की सारी मॉडिफायर कीज हैं और नमलोक आप देखते हो कैप्स लोक देखते हो ठीक है ये सारी की सारी कौन सी है टोकल कीज हैं दोस्तों ये बाकी फंक्शन कीज का शॉर्टकट पूछा जाता है कई बार तो एफ वन से लेके एफ ट्वेल्व तक देख लेना इंपॉर्टेंट है ये सारी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर इन बुलियन एल्जेवरा लॉज़ थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स बुलन एलजेब्रा लॉज की हम बात करें तो कौन सा नहीं है थर्टी फर्स्ट का डी आनंद शर्मा जी ने ही किया है तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो नैंड गेट है यूनिवर्सल गेट ये बेसिक में नहीं आता एंड की बात करूं और की बात करूं नोट की बात करूं तो ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर जो कि बुलेन एल्जेब्रा लॉज के हैं तो इनमें आते हैं ये फर्स्ट के थ्री आते हैं नैंड नहीं आता है तो इसका चार बिल्कुल सही आंसर होगा थर्टी फर्स्ट का फोर्थ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिचम फॉलोइंग ज ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग इमेजेस टू देयर डिजिटल फॉर्म इमेजेस को अगर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो है ये कौन सी होती है थर्टी सेकेंड क्वेश्चन है ये तो ताशी अंगूरल ने इसका सही आंसर कर दिया सबसे पहले तो ये दोस्तों स्कैनर होता है ठीक है प्रिंटर का काम होता है हार्ड कॉपी का मोनिटर का आउटपुट को शो करने का और रैम जो है दोस्तों ये एग्जीक्यूशन में काफी इस्तेमाल होती है मेन मेमोरी होती है और स्कैनर इसका काम क्या है एक ये लाइट सेंसिटिंग लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है फुल फॉर्म्स इम्पोर्टेंट है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर राउटर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर सात लेयर्स होती हैं मॉडल की तो राउटर जो है यह किस लेयर में काम करता है थर्टी थ्री क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर तो वर्षा पनवार ने इसका सही आंसर किया है दोस्तों नेटवर्क लेयर जो है इसमें राउटर हमें देखने को मिलता है राउटर का काम यह होता है कि कौन सा रूट हम ऐसा चूज करें जो बेटर रहेगा किसी भी ट्रांसमिशन के लिए तो राउटर का यह काम होता है और नेटवर्क लेयर में ये काम करता है आगे हम और चीजें भी देखेंगे ठीक है तो बने रहो आप इस वीडियो के लास्ट तक अब यहां पे कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हमने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था ऐसा ही अगर ध्यान से आपने देखा हो तो आप बिल्कुल सही आंसर करोगे और ये दोस्तों चौतीसवा तो क्वेश्चन है आई बी एम सात सौ एक आई बी एम सात सौ दो आई बी एम पचास ये की वर्ड है इस क्वेश्चन का तो ये किस जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं तो आनंद शर्मा ताशी अंगूरल अक्षत अक्षित ठाकुर सही आंसर है दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि आई 650 जो है इसने एज ए मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी स्टोरेज यूज की थी सबसे पहले तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन आई टी मीन्स That data available in the database is both accurate and consistent. Accurate तो होना ही चाहिए सही तो होना ही चाहिए consistent भी होना चाहिए जो कि हमें time time पर information provide करता रहे तो अभी मैंने options पूरे show नहीं किए हैं फिर भी answers आने शुरू हो गए हैं इसका मतलब ये है कि आपने तैयारी जो है अच्छे से करना शुरू कर दी है वेरी गुड एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस तो थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन है ये और इसका जो सबसे पहले आंसर कर दिया था किसने विकास मल्होत्रा इंटीग्रिटी तो डाटा इंटीग्रिटी इसको बोला जाता है दोस्तों इसमें कंसिस्टेंसी भी होती है और एक्यूरेसी भी होती है तो यही दोस्तों डाटा इंटीग्रिटी है डाटाबेस में नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इनमें से कौन सी है तो थर्टी सिक्स क्वेश्चन है ये जी हाँ काफी अच्छे आंसर आपके आ रहे हैं तो इसका आंसर हाइपोटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि एस होगा पहला इसका सही आंसर है थर्टी सिक्स क्वेश्चन का दोस्तों एटीएम की फुल फॉर्म और इसके मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है एटीएम की फुल फॉर्म बताइए फटाफट कमेंट करके थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन आनंद शर्मा ऑटोमेटेड टेलर मशीन वेरी गुड तो कमेंट करो सभी टाइपिंग करो ऑप्शंस नहीं बताने वाला इसके जी हां वेरी गुड काफी सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड टेलर मशीन ठीक है काफी सारे स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक में पजल होते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटेड होता है ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेशन का इसमें यूज हुआ होता है जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है ऑटोमेटेड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एथ क्वेश्चन वॉट इज द नेम ऑफ अ मेमोरी वफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफ़रेंशियल। तो थर्टी थार्ट क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर किसका आ रहा है आनंद शर्मा तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कैश जो है इसको हम बोलते हैं मेमोरी बफर जो कि अकोमोडेट करता है स्पीड डिफरेंशियल सीपीयू और मेमोरी के बीच में होता है बेसिकली ठीक है स्पीड को इंक्रीज करने के लिए सीपीयू की स्पीड जो होती है उसको इंक्रीज करने के लिए यह एक मेमोरी बफर होता है तो इसका सही आंसर कैश मेमोरी होगा फर्स्ट ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर डैश चेंजेस इच टाइम इट इज इंस्टॉल्ड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर बताओ तो इसका आंसर जिन्होंने भी पोलिमोर्फिक वायरस किया है वेरी गुड ये जो दोस्तों पोलिमोर्फिक वायरस है ये हर टाइम चेंज करता है और इंस्टॉल होता है ताकि इसकी डिटेक्शन ना की जा सके ठीक है तो इसको हम पोलीमोर्फिक वायरस बोलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का इन नेटवर्क्स डब्ल्यू ई पी स्टैंड फोर डब्ल्यू पी की फुल -फॉर्म आपको पता होनी चाहिए वायरलेस इक्यूबलेंट प्राइवेसी वाइड एक्स्ट्रा प्राइवेसी और थर्ड है वाइड इक्वलेंट प्राइवेसी वायरलेस एम्बेडेड प्राइवेसी तो फोर्टी का सही आंसर करो तो इसका सही आंसर होगा वाइड इक्वलेंट प्राइवेसी ठीक है तो चालीस में से स्कोर अपना फटाफट क्वेंट करो आपने स्कोर कितना किया है और कोई भी डाउट्स क्वेरीज क्वेश्चन हैं तो वो भी पूछो फटाफट पाँच मिनट्स आपके पास हैं और व्हाट्सएप जरूर कर लेना पी फाइल वगैरह आनंद शर्मा जी आप व्हाट्सएप कर लेना आप इस हफ्ते का फ्री पेड क्रैश कोर्स जीत चुके हैं आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और साथ में स्टडी मटेरियल भी मिलेगा नितिन कलेर जी आपका भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा है बस आप भी डेली इन सेशंस को विजिट करते रहो शालू वर्मा जी संडे को क्लास नहीं थी शाहिल तलोरिया जी व्हाट्सएप कर लेना अजय कुमार शर्मा जी आप भी काफी अच्छे आंसर्स देते हो डेली प्रशांत शर्मा जी बेसिकली ईमेल की बात होती है सबसे पहला ईमेल रेटोमिल्सन ने किया था वो इंपॉर्टेंट है प्रशांत शर्मा जी मैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में और कल हम नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आएंगे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय हिमाचल